हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। यदि आपका मेनोपॉज शुरू हो गया है तो आपको कई सारे सिम्टम्स आने लगे होंगे और आपको ये लग रहा होगा कि अब मैं कैसे इनको हैंडल करूं। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है मेनोपॉज का, दैट इज़ हॉट फ्लशेस, यानी कि आपको गर्मी लगती है एकदम से और पसीना आने लगता है। साथ में आपके मूड चेंजेस भी आने लग जाते हैं। आपके परिवार वाले या आपके हस्बैंड आपको बोलते होंगे कि आजकल तो बहुत चिल्लाने लगी है या बहुत गुस्सा करने लगी है। तो आपको एन्जाइटी भी होने लगी होगी, उसके साथ ही साथ वीकनेस भी फील होती होगी। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम है वो मेनोपॉज के सिम्टम है। और जब मेनोपॉज शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें कॉमनली हमें फेस करनी पड़ती है। बट मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको इन्हीं सारे सिम्टम्स से निपटने के या इनको कंट्रोल करने के उपाय बताने जा रही हूँ। इस पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेनोपॉज का जो सबसे कॉमन सिम्टम है, दैट इज़ हॉट फ्लशेस, यानी कि एकदम से गर्मी लगती है और एकदम से पसीना आता है। और ये दिन में कभी भी हो सकता है और गर्मी नॉर्मली टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं। दूसरा जो कॉमन सिम्टम है वो है वजाइना के अंदर ड्राइनेस फील होना। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो वजाइना का जो थिकनेस है और म्यूकस का सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से वजाइना के अंदर ड्राइनेस फील होने लगती है। ड्राइनेस के कारण इरिटेशन होता है और ईचिंग भी बढ़ जाती है। तो वजाइना के साथ साथ ही जो यूरिन वाला एरिया होता है, यानी कि जो पेशाब की नली होती है, उसके आसपास के एरिया में भी ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से किसी किसी को यूटीआई हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से बार बार यूरिन आने लगता है। तो ये दोनों चीज़ भी काफ़ी कॉमन देखी जाती है मेनोपॉज के साथ। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि मूड स्विंग्स भी आने लगते हैं, यानी आपका मूड बार बार, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप इरिटेट होती हैं, कभी आप नॉर्मल रहती हैं, कभी आपको डिप्रेशन भी आ सकता है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये भी एस्ट्रोजन लेवल के कम होने के कारण और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है, इसकी वजह से ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ही हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को डिपोजिशन में हेल्प करता है। इससे बोन्स भी काफ़ी वीक हो जाती हैं और यदि आप थोड़ा बहुत भी कहीं गिर जाती हैं तो रिस्ट का फ्रैक्चर कॉमन है और कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर कॉमन है, इसके साथ ही स्पाइन का फ्रैक्चर भी कॉमन है। तो ये सारे फ्रैक्चर्स मेनोपॉज के बाद में काफ़ी सारे कॉमन होते हैं, और यदि आप थोड़ा बहुत बाथरूम में फिसल गए या कहीं छत पे गिर गए तो ये फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको अपने डाइट में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, जो कि हम आगे बताने वाले हैं वीडियो में कि आपको डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने होते हैं और ये जो सारे सिम्टम हमने बताए उनको कैसे कंट्रोल करें। अब यदि आपका मेनोपॉज शुरू ही हुआ है, यानी कि अभी ये 51-52 ईयर्स के हैं, तो डेफिनेटली आपको हार्मोन थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि अभी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया है तो आपको बाहर से रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ कई सारे मिथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि इससे कार्डियोवास्कुलर, यानी कि आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाएंगी या ब्रेस्ट कैंसर या यूट्राइन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल हार्मोन बॉडी में बन रहा है ऑलरेडी, उसी को तो हम लोग बाहर से दे रहे हैं। तो बॉडी में जो नॉर्मल चीज़ बन रही है उससे एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, जबकि उनके डोज प्रॉपर होनी चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी मिथ्स हैं उनको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और HRT पूर्णतया सेफ है, उसको आप ले सकते हैं बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। डेफिनेटली यदि आप HRT लेते हैं तो आपको उसके इफेक्ट ही ज़्यादा मिलेंगे, फ़ायदे ही ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। तो जो HRT ली जाती है उसमें एस्ट्रोजन का रिप्लेसमेंट दिया जाता है, और यदि यूट्रस है, यानी कि बाई चांस अभी तक आपका हिस्टेरेक्टमी नहीं हुआ है, क्योंकि जिनका हिस्टेरेक्टमी हो चुका होता है तो उनको प्लेन एस्ट्रोजन दिया जा सकता है, प्रोजेस्टेरोन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जिनका यूट्रस अभी है तो उनको एस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टेरोन भी दिया जाता है, ताकि अंदर का जो लेयर है एंडोमेट्रियम, यानी कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, वो ज़्यादा ग्रो ना करे। तो कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है या एस्ट्रोजन के बाद में प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है, वो आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करके देगा कि आपको एग्जैक्टली क्या लेना है। बट डेफिनेटली आपको हार्मोन थेरेपी लेनी होती है। जैसे ही आप हार्मोन थेरेपी शुरू करते हैं तो आपके मूड स्विंग्स भी ठीक हो जाते हैं, हॉट फ्लशेस भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, वजाइना के अंदर जो ड्राइनेस है वो एस्ट्रोजन का क्रीम लगाने से ठीक हो जाता है, और UTI यानी यूरिन में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक के साथ साथ एस्ट्रोजन का यूज़ करने से वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको जब कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता है तो आपको कैल्शियम रिप्लेसमेंट लेना होता है, यानी कि दिन में एक या दो गोली कैल्शियम की लेनी होती है। और कैल्शियम को डिपॉजिट कराने के लिए विटामिन डी भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हफ्ते में एक कैप्सूल विटामिन डी का भी लेना होता है। और यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आयरन रिप्लेसमेंट भी ले लीजिए, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी ना रहे और आपको किसी प्रकार की कमज़ोरी महसूस ना हो। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम के साथ विटामिन के और जिंक के भी रिक्वायरमेंट होती है,
तो वो भी आपको साथ में लेना होता है। तो यानी कि आप कंबाइंड पिल आप ले सकती हैं जिसके अंदर के विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, के हो, विटामिन और जिंक भी हो। और इसके साथ ही साथ यदि आयरन की कमी है तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड का भी रोल आता है खून को बनाने के लिए, यानी कि ब्लड सिंथेसिस के लिए। तो साथ में विटामिन B12 और फोलिक एसिड वाली गोली भी आपको लेनी होती है। तो कई सारे कंबाइंड पिल्स आती है जिसमें कि ये सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाती हैं। तो दिन में एक या दो गोली लेने से आपकी पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ आप डाइट के अंदर भी कैल्शियम वाली डाइट आप बढ़ा सकती हैं, यानी कि आप सुबह और शाम एक एक ग्लास दूध ले सकती हैं। दूध में काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, विटामिन B12 भी होता है और साथ में फोलिक एसिड भी मिल जाता है। और कैल्शियम वाली जो चीज़ें होती हैं दूध के अलावा, दही है, छाछ है, पनीर है, इन सब चीज़ों में भी कैल्शियम अच्छे से होता है। रागी के अंदर बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, तो रागी के लड्डू भी बनाए जाते हैं। रागी आटे में मिला के भी खाया जा सकता है और रागी का और भी कोई आप प्रिपरेशन रेडी कर सकती हैं। इसके अलावा कैल्शियम कई सारे जैसे कि जो हरी सब्जियां वगैरह होती है उनमें भी पाया जाता है। और यदि आप जैसे पालक है, बथुआ है और हरी सब्जियां आप लेती हैं तो उसमें विटामिन के भी मिलता है और आयरन भी मिलता है। तो इस तरीके से आप डाइट के अंदर हरी सब्जियां ऐड कर सकती हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर ऐड कर सकती हैं। पनीर लेने से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और बहुत सारे स्प्राउट्स आप ऐड कर सकती हैं। स्प्राउट्स से आपको विटामिन B12 भी मिलता है और साथ में प्रोटीन भी मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी मिल जाते हैं। केला आप रोज़ एक खा सकती हैं, इसमें विटामिन के काफ़ी रिच होता है केले के अंदर और एनर्जी से भरपूर होता है, तो आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी। इसके अलावा आप अनार ले सकती हैं, एप्पल ले सकती हैं और भी जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं सारे आपको दिन में एक या दो बार फ्रूट्स लेने चाहिए। पेट भरकर आप खाना खाइए और खाना खाने के साथ ही साथ अब आपको एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप 30-40 मिनट डेली मॉर्निंग वॉक करती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके साथ में आप हल्का फुल्का अगर योगा करती हैं जिससे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और दिन में आप एक घंटा तक यदि आप सनलाइट लेती हैं, सनलाइट एक्सपोजर से हम बार बार बताते हैं कि मूड बहुत अच्छा रहता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, मेलेटोनिन का सिंथेसिस होता है और मेलेटोनिन हमारे मूड एलिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह आप जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, फिर योगा कर सकते हैं। योगा के साथ ही आपको धूप में अगर बैठती हैं तो विटामिन डी और मेलेटोनिन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इस तरीके से यदि आप कंबाइंड पैकेज लेती हैं, यानी कि यदि आप योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, अपना डाइट का भी ध्यान रखती हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क कर हार्मोन थेरेपी लेती हैं और साथ में कैल्शियम विटामिन का रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेती हैं, तो आपको फुल ऑन पैकेज मिलेगा जिससे कि आपके मेनोपॉज के जितने भी सिम्टम्स हैं उसको सबको आप कंट्रोल कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगी। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया है, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ जरूर सकती हैं। हम आपके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।